So now, we are going to discuss about the famous ruler Samudragupta, the most famous ruler of the Gupta dynasty. As we know, the most powerful, the first most powerful king of the Gupta dynasty was Chandragupta I. And Chandragupta I का जो son थे, उनका नाम था समुद्रगुप्ता. And he is considered as the greatest ruler of the Gupta dynasty. Why? Let me tell you why. पहले तो ये जान लेते हैं कि उनके बारे में ज्यादा हमें कहाँ से पता चलता है. जो अलाहाबाद पिलर का इंस्क्रिप्शन है, तो वहां से उनके दिग्विजय के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने बहुत से राजाओं को हराया. अब ये जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे है? ये अलाहाबाद के एक फोर्ट के अंदर है, एक दुर्ग, एक फोर्ट है, उस किला का अंदर है. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो अलाहाबाद का पिलर है ना, ये गुप्ता इरा, मुगल इरा के बहुत सारे राजाओं का यहाँ पे उनका इंस्क्रिप्शन मिलेगा. इवन जहांगीर, अकबर, इनका भी मिलेगा. तो इसीलिए हिस्टोरिकली ये अलाहाबाद पिलर, उनका भी है। हाँ, तो इसीलिए हिस्टोरिकली अलाहाबाद पिलर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड हिस्टोरियंस इसको बोलते हैं द डायरी ऑफ डिफरेंट एजेस इन हिस्ट्री, वेरी इंपोर्टेंट, राइट. तो पहले तो हमें पता है चंद्रगुप्त के टाइम से, चंद्रगुप्त वन के टाइम से बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश उनके कंट्रोल पे था. उसके बाद उन्होंने दिल्ली जीता, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जीता, डायरेक्ट कंट्रोल आ गया इन दोनों का. उसके बाद डेक्कन को गए साउथ में, 12 रूलर्स को हराया, बट डायरेक्टली उनके कंट्रोल नहीं लिया क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल होगा. तो बस गिफ्ट फिफ्ट ट्रिब्यूट लेकर छोड़ दिया. उसके बाद नेपाल, आसाम, बंगाल को भी वो हराया. देन हमारे जो पंजाब है, जो राजस्थान है, वहां पे जो ट्राइबल रिपब्लिक्स है उनको हराया. एंड विंध्या रीजन के जो फॉरेस्ट ट्राइब्स है उनको भी हराया. देन ये सारे चीज जीत जाने के बाद हिस्ट्री में उनका नाम आया, तो हमारे जो हिस्टोरियंस है तो उनको बुलाने लगे द नेपोलियन ऑफ इंडिया. हालांकि नेपोलियन बहुत बाद में आए थे, इनके मरने के बहुत बाद है. वो यूरोप में आए थे, फ्रांस में, ठीक है. तो उन्होंने यूरोप का बहुत ही बड़ा हिस्सा फ्रांस के कंट्रोल में लाए थे, नेपोलियन. तो ये भी बड़ा एरिया अपने कंट्रोल में लाए थे, तो इसीलिए उनको इंडिया का नेपोलियन बोला जाता है. किसको? समुद्रगुप्त को, राइट. तो उसके बाद उन्होंने जी अश्वमेध यज्ञ किया, मतलब मैं पॉलिटिकली बहुत ही सुप्रीम हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं, जो चैलेंज करना है तो करो. तो अश्वमेध यज्ञ वो होता है, ओके. तो मेघ बर्मन, एक सेलन, तब सेलन था, अब श्रीलंका है, श्रीलंका का एक राजा था. तो वो आए इंडिया एंड परमिशन मांगे कि मैं गया में, श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है हमें पता है, गया में एक बुद्धिस्ट स्तूप स्थापन करना चाहता हूँ. तो समुद्रगुप्त ने परमिशन दिया था. तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया के बाहर के देशों में भी उनका प्रभाव था, सब उनको डरते थे, मानते थे, ठीक है. तो ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने के बावजूद उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था. ही वाज ए आर्ट लविंग, म्यूजिक लविंग पर्सन. तो खुद एक पोएट थे, खुद एक म्यूजिशियन थे. तो एक कॉइन मिला है जहाँ पे समुद्रगुप्त अपने वायलिन या कुछ सितार भीतर बजा रहे हैं, तो वो भी हमें मिला है, ओके. बीणा, बीणा जो बोलते सरस्वती जी जिसको बजाते हैं, तो उसको वो बजाने का हमें कॉइन मिला है, ओके. सो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द गुप्ता इरा, राइट. यस सर।